अच्छा आप ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है, इसको हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। सबसे पहले तो इसमें हमें दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये जो आपके पास इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो सेवन है ना, कोई भी इसके साथ कॉन्स्टेंट टर्म आ जाती है, आपने इसको सबसे पहले क्लियर करना है, इसको वन करना होता है हमेशा, ठीक है। वन करने का क्या तरीका होता है, जो यहाँ पे वैल्यू है ना उससे ही डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे सेवन है तो हम इसको कर देते हैं डिवाइड ऑल इक्वेशन बाय सेवन, ठीक है। चलिए, ब्लर हो गया था, डिवाइड ऑल इक्वेशन बाय सेवन, तो अभी हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये वन को इस तरफ ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव वन हो जाए। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सेवन से डिवाइड करेंगे, इसको सेवन से और इसको सेवन से। ये देखें, अब ये इससे हमारे पास क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है। यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बाई सेवन इज इक्वल्स टू वन बाई सेवन। यहाँ तक हो गया, हमने इसको कर लिया, हमारे पास ये बिल्कुल आ गया एंड तक, ठीक है, वन आ चुका है ये। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है, मेन स्टेप, सबसे पहले तो हो गया ना, आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसका सेकंड मेन स्टेप क्या है, सेकंड मेन स्टेप ये जो जो आपका एक्स पोर्शन वाला ना, एक्स कोफिशियंट वाला जो पार्ट है, आप इसको हमेशा, इसको आपने किससे करना है, मल्टीप्लाई वन बाई टू से। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ऑलवेज, यहाँ पे आएगा सॉरी, ऑलवेज मल्टीप्लाई कोफिशेंट एक्स, एक्स विद वन बाय टू, ठीक है। जो भी आपके पास ये वाला एक्स का कोफिशेंट है, आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, वन बाय टू से। आइए हम इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर, आगे क्या था, प्लस टू एक्स ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन थी, ठीक है। हमने क्या करना है यहाँ पे, अब जैसे हमने लास्ट पे किया है कि जो हमारे पास, ये देखें, ये हमने लास्ट पे क्या कहा है कि जो भी हमारे पास x का कोफिशेंट है उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वन बाई टू से। तो इधर हमारे पास कोफिशेंट ऑफ x का क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसे, कोफिशेंट ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल है, टू बाई सेवन। एक्स को आपने मिस कर देना है, उसको नहीं देखना आपने। अब ये हमारे पास क्या है, इसके इक्वल है टू बाई सेवन के इक्वल, और मल्टीप्लाई हमने भी इसको किससे करना पीछे किया, वन बाई टू से। तो ये देखें क्या आएगा हमारे पास, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन बाई सेवन। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, वन बाई सेवन जो आ गया ना, आपने इसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो नाउ एडिंग, मैं लिखती हूँ अब इसके आगे, वन बाई सेवन्थ का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। देखें ये हमारे पास ये क्या था, ये इक्वेशन थी। अब हम इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई सेवन एक्स, प्लस क्या करना है हमने, वन बाय सेवन का स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ ऐड कर देना है चूँकि, तो वन बाय सेवन प्लस कर देना है वन बाय सेवन का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखें ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक्स प्लस वन बाई सेवन का होल स्क्वेयर, इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब देखें वन बाई सेवन प्लस सेवन का स्क्वेयर क्या होता है हमारे पास, वन बाय फोर्टी नाइन, ठीक हो गया। अब देखें अगर हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैं अभी इसको सॉल्व करके देख लेती हूँ कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन बाय सेवन, और इसको ऐड करेंगे वन बाय फोर्टी नाइन पे, तो आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास एट बाय फोर्टी नाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया आंसर, एक्स प्लस वन बाय सेवन का स्क्वायर जो आ गया हमारे पास, वो आ गया एट बाय फोर्टी नाइन पे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये देखें यहाँ पे स्क्वेयर है, इसका स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो हम करेंगे टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1/7 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट 8/49। जी तो स्टूडेंट्स अब ये देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास हो जाएगा जी एक्स प्लस 1/7, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। जब भी आप स्क्वेयर रूट लेंगे हमेशा ये पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। तो 8 का स्क्वेयर रूट हमारे पास आ जाता है 2√2 और 49 का आ जाता है हमारे पास 7, ठीक हो गया। अब ये देखें ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चूँकि हमने दो वैल्यूज़ निकालनी है तो हम इसको लिखेंगे जी एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में। तो मैं दरमियान में एक दफ़ा लाइन लगा देती हूँ ताकि ईजिली आपको क्लियर हो जाए। तो हमारे पास आया था एक्स प्लस 1/7 इक्वल्स टू, पहले मैं पॉजिटिव 2√2/7 लेती हूँ, ठीक है। और एक तरफ मैं इसके लूँगी एक्स प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू नेगेटिव 2√2/7, ठीक हो गया। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू 2√2/7। जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 ये प्लस 2√2 ये भी 7 आ जाएगा, ये भी 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोनों को एक साइड पे ऐसे करके कि 7 इधर -1 + 2√2, ठीक हो गया। अब इधर आएंगे, इधर क्या सेम यही सिचुएशन आएगी एक्स प्लस 1/7 इक्वल्स टू -2√2/7। देन ये पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हमारे पास, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू -1/7 और नेगेटिव ही 2√2/7। दोनों तरफ सेम है डिनोमिनेटर तो हम इसको एक में ही लिख सकते हैं ऐसे, तो ये आ जाएगा -1 -2√2, ठीक है। तो अब हमारे पास x की कौन सी दो वैल्यूज़ आ गई हैं सॉल्यूशन सेट में, एक आ जाएगी -1 + 2√2/7 और एक आ जाएगी हमारे पास -1 -2√2/7। ये हमारे पास हो गया कंप्लीटिंग स्क्वेयर का, ये हमारे पास इसका फुल जो क्वेश्चन का है, ये हमारे पास फुल क्वेश्चन का व्यू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना ये कवर होती है एक्सरसाइज आपकी, जिसमें हमने कवर किया है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देन हमने कन्वर्ट किया उसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट मेथड था जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे इसका था फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीटिंग स्क्वेयर के थ्रू आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक हो गया। तो अब हम इसको आगे चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो इसको कवर करने के कितने फार्मूले हैं, हमारे पास इसको कवर करने के तीन फार्मूले होते हैं ना, तीन मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एक मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वेयर का, एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन का, एंड देन लास्ट एंड लीस्ट वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज, अब हम अपनी शुरू करेंगे 1. जो हमारे पास है 2, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, इसमें आप यूज़ करते हैं आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, किससे सॉल्व करते हैं आप इक्वेशन को अपने, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। सॉरी अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला या आप प्रूफ भी इंशाल्लाह हम इसका करते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है इसका जो प्रूफ है वो हमारे पास बुक में देख सकते हैं आप लोग। अगर मैं आपको बुक से ही दिखाऊं इसका प्रूफ, तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया शिफ्ट कर देंगे इसको इक्वल के दूसरी तरफ, ये इस तरह आ जाएगा, और फिर वही के एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको मतलब किससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से,
जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सिंपली इसका स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ से इसको कर देंगे और ये हमारे पास ये बन जाएगा इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव्ड है पहले से ही। तो अब ये हमारे हम यहाँ लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब क्या किया गया है, हमारे पास पहला उन्होंने सवाल दिया हम लोगों को 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव्ड है पहले से ही। तो अब ये हमारे हम यहाँ लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब क्या किया गया है, हमारे पास पहला उन्होंने सवाल दिया हम लोगों को 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है, सेम वही सिचुएशन रहेगी जो हमारी पहले थी। इसको अगर मैं तरतीब दूँ यहाँ पर तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर नेगेटिव है 0 की इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव 7x, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। अब देखें अगर हमें इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखें यहाँ पे इक्वल टू मैं लगा लेती हूँ 0 इज इक्वल टू, तो ये देखें अब एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आएगी 1, बी की वैल्यू इधर क्या लिखी हुई है 7, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2। देखें जो वैल्यू जिसके साथ है ना उसको ही हम इसको लिख देंगे, जैसे ये देखें ये ए की वैल्यू है यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। देखें इसके साथ कुछ नहीं था तो मतलब ए की वैल्यू क्या है 1 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई और सी की वैल्यू -2 आ गई। साइन का आपने ख़ास ख्याल रखना है, साइन को हमेशा साथ लेना है। तो अब हम इसको करेंगे हमने क्या लिखा था कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, बी की हमारे पास वैल्यू थी 7 और जो सी था हमारे पास वो था -2, ऐसा ही है ना, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हाँ जी ये ऐसा ही है। चलिए जी क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको सिंपली आप पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, मैं सिंपली फार्मूला यहाँ लिख रही हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, जहाँ पे a है वहाँ पे a की वैल्यूज पुट कर दें, जहाँ b है वहाँ b की वैल्यूज पुट कर दें और जहाँ c है वहाँ पे c की वैल्यूज पुट कर दें। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 7, प्लस माइनस ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब बी स्क्वायर की वैल्यू फिर 7 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू 2 डिवाइड बाय इस तरह से। अब देखें एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 49, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 2 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जब करेंगे इसको सॉल्व तो हम इसको कर लेंगे, देखें अब यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 57 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। अब स्क्वायर रूट 57 लें अगर हम तो वो कुछ भी नहीं आता, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास सॉल्यूशन सेट में क्या आई है, एक दफ़ा प्लस में आ गई वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसको -7 प्लस स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन -7 माइनस स्क्वायर रूट 52 डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगी हमारी दूसरी वैल्यू।
ठीक हो गया, ये हमारा फुल जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हम लोगों का जो लेक्चर है वो एंड हुआ जाता है। 1.2 हमने कवर की, आज हम लोगों ने जो कवर किए हैं पॉइंट्स आज हमने कवर किए हैं एक्सरसाइज 1.1, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमने कवर किया है एक्सरसाइज अपने 1.2। जो हमारे पास 1.2 है एक्सरसाइज, उसमें हम लोग सेम वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी हमारी। यहाँ पे जो भी देखें, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ठीक है, आपको जो ये वाली इक्वेशंस भी दी हैं आप इनका सिमिलरली जो आपने पीछे वे किया है आप उन्हीं वे के साथ इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके देन ए बी और सी की वैल्यू पुट करके आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी इस चीज़ की, और मेरी तरफ से आज इतना ही आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला।